आज की हम अपने ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण से संज्ञा का टॉपिक करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ध्यान से समझेंगे। संज्ञा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा है क्या। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया या फिर कोई भी व्यक्ति है। वस्तु किसी भी तरह की कोई वस्तु है, मेज है, कुर्सी है, पेन है, पेंसिल है या कोई अन्य वस्तु। स्थान, स्थान किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम या फिर किसी डाकघर का नाम, हॉस्पिटल का नाम, ये सारी चीजें स्थान में आती हैं। फिर आता है भाव। भाव है हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव, जो विचार हमारे हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उनको भाव कहा जाता है। इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद हैं। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा, नंबर तीन है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहली थी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान विशेष के बारे में पता चले, के बारे में पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से, व्यक्ति, व्यक्ति आ गया, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष पर्टिकुलर नेम के बारे में आपको बताया जाएगा, वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पर्टिकुलर नेम जैसे उसमें आ गया आपका प्राणियों के नाम है, तो राम है, श्याम है, रावण है आदि, यानी नाम अनगिनत है, सभी का नाम हम यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर आता है आपका वस्तु। वस्तुओं में किसी का भी रख लीजिए, जैसे कि हमारी क्लास में बोर्ड है, मार्कर है, ये भी क्या है, हमारी वस्तुएं हैं। फिर आता है हमारा स्थानों के नाम। स्थान के नाम में होता है शहर है, गांव है, डाकघर है आदि, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारी जगह हैं जिनके नाम होते हैं। आगे आता आपका जातिवाचक संज्ञा। सेकंड पार्ट था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति का, पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति, जैसे उदाहरण देखें, लड़का,
पशु पक्षी, आदि, यानी जिससे हमें पूरी जाति का बोध हो जाता है, चाहे वो मानव जाति है या फिर वो पशु पक्षियों की जाति है, वो किसी भी चीज की जाति है, उसका संपूर्ण जाति का जो बोध करा दे वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। नंबर तीन था हमारा भाववाचक संज्ञा। नंबर तीन भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से भाव का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, जो भाव हमारे मन में उठते हैं वो अदृश्य होते हैं, उनको सिर्फ महसूस किया जाता है, उनको प्रकट नहीं किया जाता, उनको हम दिखा नहीं सकते, वो सिर्फ हमारे मन के भाव होते हैं जो हम अदृश्य होते हैं, वो दर्शनीय नहीं होते हैं। जैसे मिठास, लड़ाई, ईमानदारी, अच्छाई, बुढ़ापा, ये आपके मन में उठते हैं। मिठास, जैसे कि आपने कोई मीठी वस्तु खाई, उसको आपको खाने से पता चला है कि वो मीठी है या फिर वो खट्टी है, यानी आपको देख के तो नहीं पता चल रहा ना कि वो मीठी है या खट्टी है। लड़ाई, आपको किसी से लड़ने का मन करे, वो आपके मन का भाव है, वो किसी को दिखाने का नहीं है। ईमानदारी, ये आपका एक गुण है, ईमानदारी आपका गुण है, वो आपका मन का भाव है। अच्छाई, अगर आप अच्छे हो तो वो भी आपके मन का भाव है। बुढ़ापा, ये भी आपका एक विशेषता होने के साथ साथ ये आपके मन का भाव है। कुछ ऐसी भी संज्ञाएं हैं जो दिखने में व्यक्तिवाचक है लेकिन वो जाति के बारे में बताती हैं। जैसे एक दो एग्जांपल बताऊंगी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आज भी यहां पर रावण देखे जाते हैं। रावण वैसे देखा जाए तो आपकी क्या थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां अगर आप दोबारा अपने सेंटेंस को पढ़ोगे तो वो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में नहीं बता रहा है। आज भी यहाँ पर रावण देखे जाते हैं, रावण का मतलब है बुरे लोगों के बारे में बता रहा है, और बुरे लोग मीन्स वो पूरी जाति के बारे में, उनके बारे में बता रहा है कि बहुत सारे हैं बुरे लोग। आज भी इस समाज में भी बहुत सारे रावण हैं जो पूरी जाति का ही बोध करा रहे हैं। तो यहाँ रावण जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, न कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ऐसे ही कुछ जातिवाचक संज्ञाएं होते हुए भी भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताती हैं। जैसे आज भी हर घर में विभीषण देखे जाते हैं, अब आप कहोगे कि विभीषण जो है पहले क्या था, व्यक्तिवाचक था, जब हमने दूसरा सेंटेंस किया तो उसमें वो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा था, लेकिन आप अगर अपने सेंटेंस को दोबारा से देख रहे हो, आज भी हर घर में विभीषण देखे जाते हैं, यानी जो विभीषण है वो भी क्या था, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई, वो विभीषण उसकी बुराई, बुरा इंसान था, उसके मन की बुराई के बारे में बता रहा है कि आज भी विभीषण, हर घर में विभीषण मिल जाता है, यानी हर घर में बुरा इंसान मिल जाता है, वो आपको भाववाचक संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे विभीषण। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है तो दोबारा इसको
दोबारा से स्टार्ट से देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।